दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। तो अगर आप महिला हैं और अपने परिवार के साथ जिंदगी का आनंद बेफिक्री के साथ उठाना चाहते हैं तो पैसों से जुड़े हुए ये पांच काम आप जरूर करें। आप पैसे कमाते हैं तो भी आपके लिए जरूरी है, और आप घर संभालते हैं यानी बाहर कहीं कमाने नहीं जाती हैं तो भी आपके लिए ये पांच काम करना बहुत ही जरूरी है। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है बैंक खाता जरूर खुलवाएं। आप पोस्ट ऑफिस में, सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, बड़े बैंक में, छोटे बैंक में, पेमेंट बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। आप घर बैठे भी खाता खुलवा सकते हैं या फिर शाखा में जाकर के भी खाता खुलवा सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपके लिए आपका पैन कार्ड बनवाना और आधार कार्ड बनवाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा काम जो आपको करना है वो है पैसा बचाना। तो आप पैसा बचाना शुरू कर दें। आप कमाते हैं तो अपनी कमाई से पैसे बचाएं, या फिर घर संभालते हैं तो घर का खर्च चलाने के लिए जो आपको पैसे मिलते हैं उसमें से बचाएं। और सबसे पहले आप पैसा बचा लें, उसके बाद पैसा खर्च करें। आप में से बहुत सी महिलाएं कह सकती हैं कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए पैसा बचाना मुश्किल है। तो मैं आपको एक महिला की कहानी सुनाता हूं। वो महिला मेरे ही पड़ोस में रहती हैं, फूल और फूल का हार बेचने का कारोबार करती हैं। एक दिन मैं उनकी दुकान के बगल से गुजर रहा था तो वो किसी महिला से बात कर रही थी और बता रही थी कि मैं हर दिन की अपनी कमाई में से 50 या 100 रुपया अलग से रख लेती हूं और उसे बैंक में जाकर के जमा कर देती हूं और फिर उसका FD या RD करवाती हूं। तो आप भी इस तरह से पैसे बचा सकते हैं, तो पैसा बचाना आप शुरू कर दें। तीसरा काम जो आपको करना है वो है कि सिर्फ पैसा बचाए ही नहीं बल्कि उन पैसों को बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहां आपने खाता खुलवाए हैं वहां जाकर के जमा कर दें। और सिर्फ जमा ही नहीं करें बल्कि उसका FD करवा दें या RD करवा दें, क्योंकि आप सिर्फ पैसे को जमा करके छोड़ देंगे तो उस पर कम ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर आप FD या RD करवाएंगे तो आपको बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं FD या RD करवा करके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि FD RD क्या होती है या फिर बचत बैंक खाता कैसे खुलवाते हैं तो आप किसी जानकार से इसकी मदद ले सकते हैं, या फिर आजकल हर किसी के पास इंटरनेट वाला मोबाइल होता है तो आप गूगल में जाकर के जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी इसकी जानकारी मिल जाती है। तो जो आप ये चैनल देख रहे हैं बी योर मनी मैनेजर, उसका मकसद ही है लोगों को पैसों के प्रति जागरूक करना, निवेश के प्रति जागरूक करना, बचत के प्रति जागरूक करना, निवेश साधनों के प्रति जागरूक करना। तो आप इंटरनेट से भी जानकारी ले सकते हैं। चौथा काम जो आपको करना है वह है FD RD के साथ दूसरे निवेश साधनों जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश साधनों में पैसे लगाना। हालांकि इनके बारे में आप जानकारी हासिल करने के बाद ही पैसे लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रिस्की प्रोडक्ट होते हैं और आपको इसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह भी सच है कि FD RD के मुकाबले लंबे समय में शेयर और म्यूचुअल फंड से आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जिससे कि आप महंगाई को मात दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के बारे में पहले जानकारी ले लें, तभी अच्छे शेयर और अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं तो अच्छा रहेगा। और पांचवा काम जो आपको करना है वह है फाइनेंशियल प्लान, यानी वित्तीय प्लान तैयार करना, जिसमें रिटायरमेंट फंड, छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए ऐसा करते समय। इसके लिए आप किसी भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार से मदद ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि फाइनेंशियल प्लान जब तैयार करेंगे तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना भी मत भूलिएगा। तो इस तरह से आप पांच काम जरूर करें अगर परिवार के साथ बेफिक्र होकर जिंदगी का आप आनंद उठाना चाहती हैं।
तो अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देती हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा बचत करने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की कमाई कम होती है, महिलाओं की कामकाजी उम्र कम होती है, इसके अलावा सामाजिक ताना बाना बदल रहा है, एकल फैमिली पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है, हो सकता है कि आप अकेली रह जाएं, या आपकी शादी कामयाब नहीं रहे, या यह भी हो सकता है कि आप बच्चों के साथ अकेले ही जीवन बिताने की स्थिति में आ जाए। तो ऐसे में आपके लिए पैसों को लेकर के आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।